और इलेक्ट्रॉनों का ये जो स्थानांतरण हो रहा है वह अपने लिए द्रव्यमान का परिवर्तन उपस्थित कर देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि किसी वस्तु के अंदर विद्युतीय गुण उत्पन्न किए जा रहे हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वह परिवर्तित हो जाता है। अब फिर जो प्रश्न अपनों से पूछा जा सकता है एक अंक के लिए, उसमें यह पूछा जा सकता है कि ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा या धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, आपका क्या ख्याल है? आप में से भी कोई जवाब दे सकता है, इस वस्तु के पास ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा हो, क्यों ज्यादा होगा? ऋण आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.8 × 10⁻³¹ किलोग्राम 9.8 × 10⁻³¹ किलोग्राम द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बदल जाता है और ये द्रव्यमान इतना कम है कि सामान्यतः अपन इसे अनुभव नहीं कर पाते। 10⁻³¹ किलोग्राम माइनस संख्या नहीं बता रहा है, ये संख्या बहुत छोटी, लेकिन फिर भी ये तय है कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। तो ये अपना आवेशित वस्तु का सबसे पहला अंग है कि कोई वस्तु आवेशित हुई है या नहीं हुई, इसकी पहचान तभी हो पाएगी जब उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो। एक तरीका तो यह है कि उसके पास कोई और वस्तु ले जाकर के देख लें, और दूसरा तरीका यह है कि उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है इसे चेक। चीज है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, प्रकृति का मूल कण, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन मूल कण, और यदि ये कण स्थानांतरित हो रहा है तो पूरा के पूरा कण जाए, उसका कोई हिस्सा फूट करके दूसरे के पास नहीं जाता। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि रगड़ने की क्रिया में 5 इलेक्ट्रॉन जाए।